सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में, नए एपिसोड में अपनी राइड के। सो फाइनल आपने जो है पिछली वाले वीडियोस देख लिए होंगे एंड काफ़ी अच्छे वीडियोस से जाकर आप देख सकते हो। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड अगर आपने मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाओ जाकर फॉलो कर लो, क्योंकि सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ वहीं पर मैं डालने वाला हूँ। तो जाओ इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो एंड 350 सब्सक्राइबर्स अपने कंप्लीट हो चुके हैं एंड हमें 350 तक ही नहीं रहना है, हमें आगे भी जाना है। तो फटाफट से सब्सक्राइब करो चैनल को। एंड इस सीरीज़ में मैंने जो टारगेट रखा था सब्सक्राइबर्स का, वो था 500 सब्सक्राइबर्स एंड आई होप आप कर दोगे, क्योंकि आप जिस तरह दूसरे व्लॉगर्स को भी सपोर्ट दिखाते उस तरह मेरे को भी सपोर्ट की ज़रूरत है। सो सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना, शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ। जो रामदेवरा नहीं गया है वो भी इस राइड में शामिल हो जाए। सुझाव जाकर शेयर करो एंड सब्सक्राइब वगैरह कर देना। सो गाइस, आज की वीडियो का जो डेस्टिनेशन है वो है हमारा रामदेवरा एंड हम फाइनल पहुंच जाएंगे, बट रामदेवरे के जो दर्शन है आपको वो अगले वीडियो में मिलेंगे, इस वीडियो में नहीं मिलेंगे। तो अभी हम जिस हाईवे पर चल रहे हैं वो हाईवे है उदयपुर हाईवे। सो उदयपुर में आप रहते भी हो, क्या मालूम मेरे सब्सक्राइबर्स रहते भी हो। सो रहते हैं तो कमेंट करना एंड नहीं रहते तो भी कमेंट करना। अच्छा, कौन कौन से स्टेट से मेरी वीडियो देखते हैं सो कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अभी हम जा रहे हैं उदयपुर टेम्पल। सो गाइस, उदयपुर में भी जो है एक फेमस किला है जो कि हम नहीं देख पाए। सो नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब उसे एक्सप्लोर करेंगे एंड आपको भी दिखाएंगे। सो गाइस, फ्यूचर में आने वाली है मेरी ऑल इंडिया राइड्स की वीडियो, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो ही मैं वो कर पाऊँगा, नहीं तो मैं भाई किस लिए जाऊँगा ऑल इंडिया राइड पर। सो लद्दाख तो मैं नहीं जाने वाला एंड फ्यूचर अगर मूड बन गया तो देखेंगे फिर, क्योंकि अपना बजट भी थोड़ा है, कम है। सो स्पीति ज़रूर करेंगे अपन, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। एंड इतनी देर से हम राइड कर रहे हैं तो कहीं पर चाय नाश्ता वगैरह नहीं मिला। सो गाइस, हमारे चाय नाश्ते का तो जुगाड़ हो गया एंड यहाँ पर चल रहा था भंडारा जिसमें चाय एंड नाश्ता वगैरह बांटे जा रहे थे। सो ये है उदयपुर हाईवे और यहाँ से एक R15 M भी निकली थी जो कि लाउड एग्जॉस्ट था, उसमें ना SC प्रोजेक्ट था शायद। सो ये रहा उदयपुर और यहाँ का ट्रैफिक थोड़ा कम है बट ठीक ठाक ही है। एंड अभी हम वेट कर रहे हैं एक और बाइक का जो कि रह गई है पीछे। सो फाइनल अभी पहुँच चुके हैं उदयपुर टेम्पल में और यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ देखने को मिली। बाय द वे, ऊपर जाते जाते यह भीड़ कम हो जाती है एंड हमने दर्शन वगैरह कर लिए। सो काफ़ी अच्छा किला टाइप है ये एंड ऊपर चढ़ना पड़ता है दर्शन करने के लिए। सो अभी हम रुके हुए हैं एक भंडारे में एंड यहाँ से रामदेवरे करीब 50-60 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। सो यहाँ पर खाना वगैरह देखने के लिए गए थे, मतलब खाना खाने के लिए गए थे बट मूड चेंज हो गया एंड निकल जाते हैं हम आगे। सो आगे आने वाले हैं मेरे, मतलब ना कब से मैं सोच रहा था कि मैं रेत के टीलों पर जाऊँ, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाऊँ एंड एक तरह से ड्रीम था, जो बहुत सारे ड्रीम थे मेरे बचपन से वो इस राइड पर पूरे हो जाते हैं एंड अभी भी बहुत सारे हैं जो कि आगे पूरे करने हैं। सो गाइस, एक इच्छा थी मेरी जो कि अधूरी रह जाती है, वो इच्छा ये थी कि मैं रेत पर जो है स्टंट वगैरह करूं। स्टंट मुझे आते हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं आते हैं, आते हैं। सो मेरी ना वो इच्छा अधूरी रह जाती है और अभी देखो फिर आगे क्या होता है। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत मज़े आने वाले हैं।
सो गाइस फाइनल अपन पहुंच चुके हैं रेत के बड़े बड़े टीले के ऊपर। एंड यहाँ पर जो बाइक नहीं लाने दिए क्योंकि यहाँ के जो नोकल थे उन्होंने बाइक नहीं ले जाने दी। सो देखो एंड एंजॉय करो आप। Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room, and damn, what a hell of a view. I feel good, you look great, I like you, I can't wait. A first time, a first date, you're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. सो गाइस किसी ने सही ही कहा है कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। सो गाइस हम जो है रेत के टीलों के ऊपर एंजॉय कर ही रहे थे कि पीछे से आवाज़ आती। पीछे से मतलब हमारे जो मेंबर थे टीम मेंबर, एक ने कहा कि चलो अभी शाम हो रही है एंड हमें किसी भी हालत में आज जो है पोखरण पहुँचना था। पोखरण में हम जो है रात रुकने वाले थे एंड सुबह सुबह जाने वाले थे दर्शन करने के लिए रामदेव जी के। सो फाइनल हम वहाँ से निकल लिए एंड अभी तो आगे और भी मज़े आने वाले हैं। सो सब्सक्राइब कर लेना, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सो अभी हमने यहाँ पर खाना खाया और यहाँ पर चल रहा था डांस। सो वीडियो को जो है मैंने थोड़ी आवाज़ कम कर दी क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है भाई, कुछ ठिकाना नहीं है। अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, क्या पता शुरुआत ये तो ख़त्म हो जाए, शुरू होते ही ख़त्म हो जाए। सो अभी टाइम हो रहा था 8 बजे एंड अभी हम पोखरण में से थोड़ी सी दूर है 10-15 किलोमीटर एंड फाइनल हम पहुँचने वाले हैं पोखरण। सो गाइस बाइक से जाने का प्लान मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मुझे जो है मंजिल की एक्साइटमेंट तो थी ही, बट मुझे सफ़र को भी जो है इन्जॉय करना था एंड काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया और सफ़र को मिस करता हूँ मैं। तो नेक्स्ट राइड की जो है मैं अभी से प्लानिंग करने लगा हूँ एंड बजट को जो है बनाने लगा हूँ क्योंकि नेक्स्ट राइड जो है काफ़ी लंबी होने वाली है न्यू बाइक के साथ एंड न्यू बाइक भी परचेस करेंगे। तो अपडेट मिलती रहेगी आपको इस चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ यार इस वीडियो में, एक सब्सक्राइब कर लेना तो कर दो ना यार सब्सक्राइब। सो अगली वाली वीडियो में हम दर्शन करने वाले हैं रामदेव जी के एंड आपको भी करवाने वाले हैं, तो उसकी छोटी सी झलक मैं आपको दिखा देता हूँ। यह है रामदेव जी का प्यारा सा मार्केट जहाँ पर मेला वगैरह लगता है। एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर एंड मस्त रहो भाई लोगों।